ईश्वर ही है और है कौन। सत्याग्रही क्या करता है? नफरत को नफरत से नष्ट नहीं करता, वह अपना आग्रह करता ही है। हकीकत में सत्याग्रह क्या है? सामने वाले की चेतना बढ़ाने का प्रयास लगातार करते रहना है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना करेंगे, सभी आंखें बंद करें। हे परमेश्वर, विश्व के सभी मनुष्य अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। सभी मनुष्य अपने जवाबों को साथ में लेकर आगे की यात्रा करें। जवाबों को अपने जीवन में उतारें। स्वास्थ्य का सवाल स्वास्थ्य का जवाब बने। सभी को यह जवाब अनुभव से प्राप्त हो। स्वास्थ्य को खोने की कमजोरी समाप्त हो। अपनी लालसाओं पर नियंत्रण न रखने की वजह से अपनी कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में फंसते जाता है। इसलिए स्वास्थ्य समाप्त होता है, बीमारियां घेर लेती हैं। सभी मनुष्य यह स्वबोध से जाने और कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में न फंसे। जो कामना स्वास्थ्य की तरफ ले जाए, मुक्ति की तरफ ले जाए, मोक्ष की तरफ ले जाए, प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति करवाए, वही कामना शुभ इच्छा के रूप में बल दे। सभी इस बल को प्राप्त करके एक दूसरे को मदद करें, भाईचारे के साथ जीवन जिएं। सभी मृत्यु की सच्चाई जान लें। मृत्यु की सच्चाई को जुठलाकर लोग जीवन से हाथ धो बैठते हैं, स्वास्थ्य से हाथ धो बैठते हैं। यह सच्चाई लोगों के सामने रहे। इस सच्चाई को सामने रखने की वजह से लोग
आहार व्यवहार ऐसा रखेंगे ताकि स्वास्थ्य बना रहे, रोग प्रतिरक्षण शक्ति बढ़ती रहे। मौत की सच्चाई जागृति बढ़ाए। अपना जीवन सार्थक करने के लिए इस सच्चाई को लोग याद रखें और अमर तत्व को प्राप्त करें। पृथ्वी पर ही ऐसा काम करें कि संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, जो शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक और आध्यात्मिक भी है। संपूर्ण स्वास्थ्य, सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है, सभी को यह अधिकार प्राप्त हो। सभी अपनी कमजोरियों से ऊपर उठें, मानसिक कमजोरियां, लालसाएं, जो ऐसे काम करवाती हैं जो जमीर नहीं मानता, विवेक नहीं मानता, फिर भी लोग कर गुजरते हैं क्योंकि कामना पूर्ति की लालसा इतनी बड़ी होती है कि आत्मनियंत्रण रह नहीं पाता। सभी को आत्मनियंत्रण की शक्ति मिले, सभी को आत्मज्ञान की शक्ति मिले, सभी को ध्यान की शक्ति मिले। सभी इन शक्तियों का सकारात्मक उपयोग करें और इन शक्तियों का बल तपर्पण करें ताकि और शक्तियों को काम करने का मौका मिले। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, इसी में मेरा मंगल भी है, इसी में परिवार का मंगल है, इसी में समाज और देश का मंगल है, इसी में विश्व का मंगल है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग सबको मिले, सभी इसी समझ के साथ प्रार्थना करें। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना करें। प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तपर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए।
तुम्हें अपने सत्याग्रह से बिल्कुल नहीं डगमगाना है। अगर आज के जीवन में भी लोग इसको फॉलो कर पाए तो क्या हो सकता है, सोचकर देखो। एक छोटी सी गाली भी बर्दाश्त नहीं होती। अगर उस वक्त की सिचुएशन में जाकर देखोगे कि वहाँ क्या क्या हो रहा है, लोग उस सत्याग्रह में मर रहे हैं, मगर जब लोगों को पहले ही बताया गया है कि ये डरपोक लोगों का काम नहीं है, लोगों को बहुत क्लियरिटी थी, क्योंकि ये लोग आज भूल गए हैं। लोग सत्याग्रह को या गांधी जी को क्या करके ले रहे हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। कितना बड़ा धोखा हो गया। यानी आज की नई जनरेशन ये आसानी से बोल देती है, जहां पर वो कुछ कर नहीं पाते तो बोले क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। कितना आसानी से बोल देते, मगर पता भी नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। हकीकत में साहस का नाम महात्मा गांधी। क्यों सत्याग्रह में जान भी जा सकती है, मगर पर्सन रेडी है? क्यों, यही कहा, तुम्हें अपने डरों को उतार कर फेंक देना होगा। अगर तुम चेतना को जगाकर, लोगों की चेतना को बढ़ाकर अपनी बात मनवाओगे जो सत्य है, और कैसे मनवाओगे, नॉन कोऑपरेशन, असहयोग करके, तुम्हारे नियम हम फॉलो नहीं करते, सच्चाई ये है तुम्हें ये करना चाहिए तुम नहीं कर रहे हैं, वो जुल्म करते जा रहे हैं, वो बदले में हाथ नहीं उठा रहे, तो सामने वाले के अंदर कुछ जागृत होता है, जमीर जागृत होता है, उसके अंदर की चेतना जागृत होती है कि ये लोग ऐसे कैसे कर पा रहे हैं, ये जख्म कैसे सह पा रहे हैं, ऐसी क्या चीज है जो ये सह पा रहे हैं, मारने वाले में भी वो क्या देख रहे हैं, क्योंकि सत्याग्रह के पीछे सत्य को देखने का आग्रह है, सत्य को देखना है। सामने वाले के अंदर भी वही चीज है जो हमारे अंदर है, जब सत्य देखा जाता है तो ही सत्याग्रह सफल होता है, उसका उपवास सफल होता है, मौन व्रत सफल होता है, सेवा सफल होती है, वरना असफल है। अगर ये सही नहीं समझा गया, सत्याग्रह आज कहाँ लोग जानते हैं, सत्याग्रह यानी लोगों को तो भूख हड़ताल वगैरह ऐसे कुछ बातें दिमाग में बैठी हुई है, वह सत्याग्रह का अर्थ समझो, सत्य का आग्रह करो, जब तक रिजल्ट नहीं आती अपना आग्रह जारी रखो। सत्याग्रह का अर्थ एक और है, ग्रहण करना, सत्य ग्रहण करना यानी रिसीव करना। कहीं पर भी हम जा रहे हैं तो सत्य के अलावा और कुछ ग्रहण नहीं करेंगे, ग्रहण सिर्फ सत्य का होना चाहिए। और तीसरा अर्थ है सत्य ग्राहक, कस्टमर होता है ना, ग्राहक होता है, तो हम सिर्फ सत्य ही खरीदने वाले, सत्य के अलावा कुछ भी नहीं खरीदने वाले। कहीं पर गए हो सत्य के नाम पर कुछ और चीज़ दे रहे हैं तो हम नहीं खरीदने वाले। सही सत्याग्रही हो क्या होगा, हमें सत्य से ही प्रेम है, सत्य ही नारा है, सत्य ही लेंगे, सत्य से कम कुछ नहीं लेंगे, तो वो सत्याग्रही। सत्याग्रही के गुण आप जान रहे हैं, ये तीन मुख्य बातें सत्याग्रही समझता है, अप्लाई करता है, वहाँ साहस है। तो सही समझना सत्याग्रह क्या है, जोर जबरदस्ती से नहीं है ये, या बुजदिलों का काम नहीं है, जहाँ पर बहुत क्लियर है सामने वाला हमसे प्यार करता है इसलिए हम प्यार करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। सामने वाला नफरत कर रहा है हमसे फिर भी हम उसका भला सोच रहे हैं, सोच पा रहे हैं, ये सत्याग्रह है। सामने वाला हमसे प्रेम करता है तो प्रेम कर पाना फिर भी आसान है, वो भी कई लोगों को कठिन लगता है। सत्याग्रह का अर्थ क्या है, प्रेम प्लस निडरता इज इक्वल टू अहिंसा। अहिंसा क्या है, प्रेम और निडरता, वहाँ एक निडरता है, असुरक्षा का डर है, सामने वाला गाली देगा, सामने वाला हाथ उठाएगा, सामने वाला मारेगा, तो फिर उस डर की वजह से अहिंसा नहीं हो सकती। उस डर की वजह से आप पहले ही सामने वाले को मारना चाहोगे, वो हाथ उठाए उसके पहले ही आप हाथ उठाना चाहोगे। तो सही अर्थ हमें इसका समझना है,
चेतना का स्तर बढ़ाने के लिए ये सब करना है। मूल अर्थ लोग आज भूल गए हैं क्योंकि उन शब्दों में बताया नहीं गया। यहाँ आज मौका है तो आपको उन शब्दों में बताया जा रहा है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।